ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा द्वारा स्वयं की पहचान के 32 गुण वाक कर्तव्य, जो किसी देहधारी में नहीं हो सकते, जो किसी देहधारी में नहीं हो सकते, उसका 9वां नंबर हम देख रहे हैं, निराकार है। परमात्मा निराकार है। दुनिया में परमात्मा को दो रूपों में देखा जाता है मेन, बाकी तो बहुत सारे भी हम कितने भी करें, एक निराकार और एक साकार। जो परमात्मा को देहधारी मानते हैं साकार, और जो परमात्मा को निराकार मानते हैं वो समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। मैं तुलसीदास की दो लाइनों से आपको स्पष्ट कराऊंगा कि दुनिया कितनी भटक रही है। स्वयं तुलसीदास ने लिखा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। चार राम, एक तुलसीदास, चार राम। क्योंकि खुद निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन सा राम है, एक्चुअल राम कौन सा है। उन्होंने साकार राम का भी वर्णन किया, उन्होंने निराकार राम का भी वर्णन किया, उन्होंने सर्वव्यापी राम का भी जिक्र किया, और उन्होंने इस जग से द्यारे राम का भी। परंतु एक्चुअल में राम कौन सा है वो पता नहीं। आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, मैं हूं निराकार। परंतु निराकार का मतलब ये नहीं समझना कि मेरा आकार नहीं है। मैं निराकार इसलिए मेरा नाम रखा गया कि मैं कभी देह धारण नहीं करता, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अयोनि हूं, अशरीरी हूं, अभोक्ता हूं। मैं कभी देह धारण नहीं करता, मैं केवल आत्मा हूं। परंतु उसे निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका आकार नहीं है, मेरा आकार है, परंतु मेरा आकार आपकी तरह नहीं है, मेरे आकार को तुम बना नहीं सकते हो, मेरे आकार को इन चर्म चक्षुओं से तुम देख नहीं सकते हो, क्योंकि मैं अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिसको संसार का कोई सूक्ष्म दर्शी यंत्र नाप नहीं सकता। विस्तार से समझने के लिए आप संपर्क करें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि लगभग सब 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं, और या अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9213106986 पर।